मैं हूं अमल और ये है थोड़ा किस्सा थोड़ा पर्यावरण। आज का किस्सा पंडित महेश के जीवन पर आधारित है। पंडित महेश जिन्हें हम बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बीरबल जब पहली बार अकबर के दरबार में पहुंचे तो अकबर उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने निर्णय कर लिया कि वह बीरबल को अपने दरबार में शामिल करेगा। पर अकबर के दरबार के जो दूसरे दरबारी थे वो नहीं चाहते थे कि बीरबल के जैसा एक आम आदमी उनके दरबार का हिस्सा बने और उन्होंने बीरबल को उस दरबार में शामिल करने पर थोड़ी सी आपत्ति जताई। तो अकबर ने अपने दरबारियों को कहा कि ठीक है, आप बीरबल से एक सवाल पूछिए और यदि बीरबल उस सवाल का सही जवाब दे देगा तो आप बीरबल को अपने दरबार में शामिल कर सकते हैं। बस फिर क्या था, सभी दरबारी तैयार हो गए। उन्हीं दरबारियों में एक मौलाना ने बीरबल से सवाल पूछने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से पूछा कि आप मुझे बताइए कि इस समय इस वक्त मेरे दिल में मेरे मन में क्या चल रहा है। थोड़ी देर के लिए बीरबल उनके सवाल को सुनकर सोचने लगे और फिर वह बोले कि मौलाना साहब, इस वक्त आपके दिल में यह चल रहा है कि महाराज अकबर 100 साल से भी ज़्यादा लंबी आयु तक जिए और उनका यश, उनका राज्य पृथ्वी के चारों कोनों तक फैल जाए। बस इतना था। अकबर ने मौलाना की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या आप यही सोच रहे हैं। अब मौलाना कशमकश में पड़ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, क्योंकि अगर यदि वो ना कहते तो बादशाह नाराज़ हो जाते। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल महाराज, मैं ऐसा ही सोच रहा था। और इस तरह से बीरबल ने अपनी बुद्धिमता से अपनी जुबान की बात को मौलाना के मन की बात बना दिया। कुछ इसी तरह से हम पाएंगे कि बिल्कुल ऐसा ही उलट पर्यावरण के किस्से में हमारे साथ होता है। पर्यावरण का किस्सा, पर्यावरण की बात, हम सब लोगों की जुबान की बात तो है पर मन की बात नहीं है। हम सभी कहते हैं कि पृथ्वी पर जो पर्यावरण है वो खराब हो रहा है, उसे बचाने की आवश्यकता है, पेड़ लगाने की आवश्यकता है, इत्यादि इत्यादि। पर जब इसी को करने की बात आती है तो हम सभी चुप हो जाते हैं या कुछ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह बात हमारी जुबान की बात है, मन की बात नहीं है। तो अब समय आ गया है कि हमें अपनी इस जुबान की बात को, पर्यावरण को बचाने की बात को, जुबान की बात को मन की बात बनाना है। और मन की बात इसे कैसे बनाया जा सकता है? बस अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके। कैसे बदलाव? जैसे हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पानी को बचाएं, रीन्यूएबल एनर्जीज कुछ इस्तेमाल करें और ऐसे बहुत कुछ। ऐसे ही कुछ बदलावों के बारे में यदि आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियोज़ के लिंक पर आप जा सकते हैं और आपको पर्यावरण को कैसे बचाने में अपना आप योगदान दे सकते हैं, आपको पूरी जानकारी वहाँ पर मिलेगी। मिलते हैं जल्दी ही एक नए किस्से नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पावर्ड बाय देशभगत यूनिवर्सिटी।